फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर आपसे बात करूंगा। इसलिए आज का वीडियो मेरे रूफटॉप गार्डन पर से नहीं, मैं अपने घर के अंदर से ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, हर गार्डनर को, हर पौधे जो घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको फर्टिलाइजर की बहुत ज़रूरत तो पड़ती ही होंगे। तो हम ये खोजते रहते हैं कि कहाँ से हमें कुछ सस्ते और अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर मिले। तो मैंने भी काफ़ी खोजबीन की और मैंने खोजबीन करने के बाद मुझे एक अच्छे ब्रांड और अच्छे जगह से कुछ फर्टिलाइज़र मिले। तो मैंने आप सबों को भी ये बताना उचित समझा कि आप सब भी जाने, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि अच्छे क्वालिटी के और अच्छे दामों पर आपको किस तरह का फर्टिलाइज़र कैसे और कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इफ़्को बाज़ार से कुछ फर्टिलाइज़र मंगवाए हैं और ये देखिए कितने अच्छे सील पैक तरीक़े से ये मेरे घर तक ये पहुंचा दिए हैं। और इनके दाम आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस कीमत पर ये फर्टिलाइज़र मार्केट में आपको कहीं भी मिलेंगे नहीं, और अगर मिलेंगे तो भी इनके क्वालिटी इनके बराबरी के नहीं रहेंगे। ये मैं दावा तो नहीं कर सकता, पर मैं जितने भी मेरे को नॉलेज है, मैं देखता हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से आपसे ये बात कह रहा हूँ। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे मैं इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ और देखते हैं ओपन करने के बाद मैंने जो फर्टिलाइज़र मंगवाया है वो कहाँ, वो किस तरह का है और कैसे हैं। देखिए, मेरे बॉक्स अब ओपन हो चुके हैं, अब मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने एक एक केजी के ही पैकेट मंगवाए हैं। ये देखिए, पहला निकला है 12160 मोनो एमोनियम फॉस्फेट, ये एनपीके है दोस्तों। अब इनके यूज़ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इन्हें किस तरह से यूज़ करना है। मैं अपने रोज़ प्लांट और एडेनियम प्लांट और हिबिस्कस प्लांट, ये सारे प्लांट में मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूंगा। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको भी मैं इसका यूज़ कैसे करना है, किस तरह करना है, कितने मात्रा में करना है और कितने दिनों के अंतराल में करना है, ये भी मैं ज़रूर आपसे हर चीज़ को शेयर ज़रूर करूंगा। दोस्तों, दूसरा फर्टिलाइज़र अब मैं निकाल लिया हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है मोनो पोटेशियम फॉस्फेट 052-34, इसका कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, ये भी एक एनपीके फर्टिलाइज़र है और ये पानी में घुलनशील फर्टिलाइज़र है, यानी आप इसे पानी में घोलकर पत्तियों में स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पानी में घोलकर पौधे के जड़ में भी दे सकते हैं। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र के दोस्तों यही कुछ फ़ायदे होते हैं कि आप इनमें दोनों तरह के यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप इनके दाम देख ही रहे हैं, मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ। ये 140 रुपये एक केजी का दाम मिला, जो दूसरे जगह काफ़ी महंगे दामों पर मिलते हैं। ये दोस्तों, इसके भी आप डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन जो भी बोलिए, मैं इन्हें दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों मुझे 105 रुपये में मिला ये एक केजी। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इनके दाम काफ़ी सस्ते हैं और अच्छे ब्रांड के भी हैं। आप इन्हें इफ़्को बाज़ार से जाके ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा, अगर आपको भी चाहिए आप ज़रूर वहां से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों पर और अच्छे गुणवत्ता वाले ये फर्टिलाइज़र यहां आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को पूरा देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।